हेलो, नमस्कार। मैं सतपाल पांचाल फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखेंगे रिज्यूम बनाना। रिज्यूम किस लिए बनाया जाता है? जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें रिज्यूम ही मांगा जाता है। रिज्यूम में क्या होता है? रिज्यूम में आपकी एजुकेशन डिटेल होती है, आपके आपकी पर्सनल डिटेल होती है, आपके एक्सपीरियंस की डिटेल होती है। तो आपका बायोडाटा लगा लो या आपका रिज्यूम लगा लो, किसी कंपनी में जब आप जॉब के लिए जाते हो तो वो आपको तैयार करके देना होता है। तो वो बनाना सीखेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिज्यूम आपको ये पता होना चाहिए कि बनता किस में। एमएस वर्ड के अंदर रिज्यूम बनता है, एक्सेल में नहीं बना पाओगे इसको आप। तो सबसे पहले हम कोई शीट ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक शीट ली, और सॉरी पेज लिया, और यहाँ हम रिज्यूम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम। हेडिंग में आप कुछ भी डाल सकते हो, रिज्यूमे डाल लो, बायोडाटा डाल लो, या डाटा भी डाल सकते हो। तो हम रिज्यूम लिख देते हैं, रिज्यूम। ठीक है, आपने इसको सेंटर करना है और इसको कोई साइज बड़ा कर देना है, तकरीबन 20 के आसपास तो रखना ही। और कोई साइज आप स्टाइल फॉन्ट स्टाइल आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है वो आप लगा सकते हो। जरूरी नहीं है जो मैं लगा रहा हूँ वही आपको लगाना है। आपको लुक कैसे देनी है अपने टेक्स्ट को, मैं तो ज्यादातर न्यू टाइम्स रोमन लगाता हूँ। न्यू टाइम्स, टाइम्स न्यू रोमन, सॉरी। उसके बाद आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आपको है ना अपने बारे में एक डिटेल डालनी है। तो उसके लिए आप लेफ्ट, वैसे तो लेफ्ट साइड ही होता है, राइट साइड में आपकी स्नैप लगेगी, और इस कर्सर का साइज आप कम कर लें, तकरीबन 12 या 14 13 ये रखें। ज़्यादा छोटा ना करें और ना ही ज़्यादा बड़ा करें। यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे। आप मान लेते हैं फिलहाल हम किसी राम कुमार का रिज्यूम बना रहे हैं। तो आपने लिख दिया, उसके बाद एंटर लगाओ। उसका एड्रेस लिखेंगे, हाउस नंबर, गली नंबर, जो भी है आपका, या स्ट्रीट नंबर। सॉरी, 00 कुछ भी हो सकता है, हाउस नंबर, और ऐसी गली नंबर, या आप स्ट्रीट नंबर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। गली नंबर 00 मान लो, जो आपने डालना वो डालोगे, ठीक है। और फिर आप अपना एरिया डालोगे, जैसे आप कहाँ रहते हो, जैसे फिलहाल के लिए हांसी रोड डाल दिया मैंने। अब ये हांसी रोड कहाँ है वो आप थोड़ा नीचे डालोगे। और जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हमारा डिस्ट्रिक्ट करनाल है। करनाल स्टेट हरियाणा। और ब्रैकेट में आप पिन भी लगा दोगे, पिन, अगर आप अदर स्टेट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हो तो। इसके बाद फिलहाल आपने टाइप करना है, उसके बाद मैं सेटिंग करना आपको सिखाऊंगा। आप ये जो इस टाइम रिज्यूम बना रहे हैं इसमें देखो, साफ स्पेस काफी ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर स्पेस कम करना भी बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। पहले आपको मैटर टाइप करना है, फिर आपको अपने आप सेटिंग हो जाएगी आपके इसकी। और हाँ, ध्यान रहे आपका जो मैटर होता है वो एक पेज पे ही होना चाहिए, जो आपका रिज्यूम में हो वो कम से कम एक पेज पे हो, ज्यादा पे ना हो। उसके आगे हम कोई फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव हेडिंग देंगे, या अपने अकॉर्डिंग, सॉरी फोन नंबर तो रह गया आपका, फोन नंबर डाल लेंगे हम। फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप डालना चाहो वो डाल सकते हो, समथिंग मान लो ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। उसके बाद दो एंटर प्रेस करने हैं, और आप कैरियर ऑब्जेक्टिव हेडिंग लाएंगे।
आप छोटे बड़े में जैसा मर्जी लेना चाहो, जो आपको ठीक लगता है उसमें ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक मोटिवेशनल लाइन लिखनी है आपने, जैसे कि भी मैं आपकी कंपनी में जॉब इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, कंपनी की ग्रोथ करना चाहता हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। आप अपने हिसाब से या इंटरनेट से कोई लाइन सर्च करके अच्छी सी वो आप डाल दोगे, जैसे मैं डाल रहा हूँ अभी। जैसे ये मैंने लाइन डाल दी, ये लाइन मैंने वीडियो को पॉज करके लिखी है, और इसके दो फायदे हैं। क्या फायदा? एक तो वीडियो जल्दी बन जाएगी और दूसरा दूसरा मेरी टाइपिंग स्पीड कम है। चलो, इसमें लिखा है माई ऑब्जेक्टिव टू बी एन एसेट्स ऑफ कंपनी थ्रू डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एंड टेक्निकल नॉलेज, लुकिंग फॉर पोजिशन विच कुड बी लिवर्स माई स्किल एंड प्रोवाइड ग्रोथ टू बी कंपनी एंड माई कैरियर। मतलब इसमें ये बताया गया है, या अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो कि भाई मैं आपकी कंपनी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं एक हार्ड वर्किंग हूँ और मुझे टेक्निकल नॉलेज है, और मैं एक ऐसे मतलब पोजिशन यानी ऐसी पोस्ट की जॉब कर सॉरी खोज कर रहा हूँ जो मेरे कैरियर को और कंपनी की ग्रोथ को आगे बढ़ा सके। चलो आगे लिखेंगे, ये एक मोटिवेशनल या अपने आप कोई एक लाइन है, ये कोई आपका जरूरी नहीं है, आपने यही लिखनी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर आप डालेंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हेडिंग बनाओ, सेम ऐसे ही बनाई है जैसे ऊपर बनाई है आपको आपने सॉरी साइज क्या दे रखा है वो साइज ध्यान रखें, साइज आपने दिया 12, तो यहाँ भी 12 ही आएगा। सॉरी कैपिटल में रखें, क्वालिफिकेशन। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या आता है आपका, जो आपने जैसे आईटीआई की हुई है, पॉलिटेक्निक का रखी है आपने, या आपने बीटेक कर रखी है, यानी टेक्निकल या कोई प्रोफेशनल कोर्स आपने किया हुआ है, कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ आपने, और या कोई अलग से कोई स्किल नॉलेज ले रखी है आपने किसी उसकी, तो आप वो चीज़ यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे, अब इसमें डिटेल डालोगे आपके पास किस किस चीज की क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने क्या क्या कर रखा है। सपोज करो आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है तो आप लिखेंगे, या आईटीआई भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं कि भाई जो आपने कर रखा वो लिखोगे। देखो मेरे हिसाब से नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके आपको सर्टिफिकेट भी जमा करवाने हैं। देखो पॉलिटेक्निक पास आउट आप मार्क्स भी दिखा सकते हो विद मार्क्स ऑफ इतने, या फ्रॉम में आप जहां से आपने की है उस इंस्टीट्यूट का नाम, जैसे मैं लिख रहा हूं गोट पॉलिटेक्निक, ठीक है। आपने जहां से भी कर रखी है ये डिटेल आप वो डाल दें, आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है, आईटीआई कर रखी है, वो डाल दें, और इसके आगे एक ब्लॉट्स लगा दें कोई भी आपको ठीक जो लगती है। देखो फिलहाल मैं आपका सिर्फ मैटर टाइप करा रहा हूँ, डिजाइन जो आपके सेटिंग है वो बाद में कराऊंगा, या आपने कुछ और कर रखा है, मैं सिर्फ वैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये सभी डिटेलें। आपने यही नहीं डालनी है जो आपकी खुद की, आप वो डालोगे, या आपने जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, कोई जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया हो आप वो डालें यहाँ पर, कहाँ से आपने किया हुआ है। तो ये थी आपकी कोई प्रोफेशनल। उसके बाद यदि आपने एकेडमी सॉरी अब आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिखाओगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में होता है आपका जैसे 10th+2 BA, अगर आपने ये चीज कर रखी हो तो आप ये चीज दिखाएंगे।
अब लिखेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन अब आप एंटर करेंगे, और जो आपने जैसे मैट्रिक पास कर रखी है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 10th पास आउट, या सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, जैसा आपने लिखना है आप दोनों वे में लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 10th पास, देखो आपने यहाँ पर बोर्ड का नाम देना है। स्कूल का नाम बहुत कम दिया जाता है, इंस्टीट्यूट का नाम बहुत कम दिया जाता है, जिस बोर्ड के अंतर्गत आपने कर रखा है। जैसे CBSE बोर्ड है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड है, तो जैसे हमने तो हरियाणा से किया हुआ, तो हम वो डाल रहे हैं, आप अपना डाल लें। सॉरी, यहाँ पर आएगा बोर्ड, आप ये लिखेंगे आपने 10th कहाँ से की हुई है, उस बोर्ड का नाम लिखेंगे, और उस बोर्ड को आप डार्क कर सकते हो, मतलब सॉरी बोल्ड कर सकते हो, ऐसे दिखाने के लिए। बोल्ड करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई बात नहीं। और इसके आगे एक बुलेट्स लगाएंगे, जरूर बुलेट्स जरूर लगानी है आपने, और हाँ सेम बुलेट लगाएंगे जो आपने ऊपर ली है। एंटर। अगर आपने प्लस टू कर रखी है तो वो भी आप दिखाएंगे। जैसे हमने ये लिख दिया है प्लस टू फ्रॉम पास आउट, सॉरी प्लस टू पास आउट फ्रॉम हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन भिवानी, ठीक है, जिस भी बोर्ड से आपने किया हो उस बोर्ड का नाम लिखें और इसको डार्क कर दें। देखो रिज्यूम देखने में अभी आपको बड़ा अजीब दिख रहा होगा, थोड़ा वेट करें, रिज्यूम को पूरा होने दें, ये बिल्कुल आपको पसंद आएगा। उसके बाद देखो अगर आपने कोई और एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने ग्रेजुएट हो आप, या आपने कोई और जैसे BEd MEd समथिंग कुछ ऐसा कर रखा, तो वो भी आप डाल सकते हो। जैसे मैं डाल रहा हूँ ग्रेजुएशन का, इसके लिए आप बुलेट्स अगेन लगाएंगे, और जैसे हमने लिखा ग्रेजुएट फ्रॉम KUK कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा। उसके बाद आपने दिखानी है एक्सपीरियंस आपका, आपने एक्सपीरियंस किस किस चीज का है आपको, आपने कहीं पर पढ़ाया हुआ है, आपने पहले किसी कंपनी में जॉब की हुई है, आपको किसी और किसी अदर फील्ड का किसी चीज का एक्सपीरियंस है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। तो इसके लिए हेडिंग बनाएंगे हम एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या खाली एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो आप। इसमें आप डिटेल दोगे कि किस किस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है। तो सपोज करो कि आपने किसी कंपनी में एज ए ऑपरेटर आपने जॉब किया है, तो आप वो लिखोगे। आपने कहीं पर पढ़ाया हुआ किसी स्कूल में, तो आप वो लिखोगे। आपने कहीं पर ट्रेनिंग दे रखी है किसी इंस्टीट्यूट पर, तो आप वो लिखोगे। तो आप जो जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है आप वो चीज़ लिख सकते हो। जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे हमने अपना एक्सपीरियंस लिख दिया है, आप कुछ भी लिख देना, जिस चीज़ का आपका एक्सपीरियंस हो आप वो चीज़ लिखेंगे। एक्सपीरियंस लिखने के बाद फिर आप अपने बारे में जैसे कोई स्ट्रेंथ बताओगे अपनी, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, और हार्ड वर्किंग हो आप, और पढ़ना आपको अच्छा लगता है, पंचुअल हो, कुछ ऐसा आप लिखेंगे। तो हेडिंग बनाते हैं सबसे पहले, स्पेस से काटते हैं इसको, ये ऊपर क्यों जा रहा है, ठीक है यहीं आएगा। हेडिंग बनाते हैं, तो आप ऐसा कुछ लिखेंगे, हेडिंग लाइन स्ट्रेंथ, पॉजिटिव एटीट्यूड, अडेप्टेबल और पंचुअल, हार्ड वर्किंग, सिंसियर, विलिंग टू लर्न, या कोई भी ऐसे अच्छी अच्छी बातें लिख दोगे अपने बारे में, ठीक है।
और हॉबी लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। अब आप दोगे अपनी पर्सनल डिटेल, अपनी पर्सनल डिटेल क्या है आपकी वो बताओगे, उसके लिए आप हेडिंग बनाएंगे वापिस से पर्सनल डिटेल की। देखो पर्सनल डिटेल में क्या डिटेल डालेंगे, यदि जैसे आप बॉयज हो तो आप अपने फादर का नाम डिटेल डालेंगे, और यदि आप गर्ल्स और आप मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं फादर्स नेम, तो आपने ऐसे लिखना है फादर, फादर्स नेम, ठीक है। और उसके बाद देखो लिखना कैसे, बड़ा ध्यान से देखना आपने, यहाँ पर कीबोर्ड में टैब होता है आपके, आपने वन टाइम टैब दबाया और ये ऐसे कुछ लगाना है, और फिर वन टाइम फिर टैब दबा देना है। आपको देखो गैप कितना रखना है आप वो देखना, टैब के हिसाब से आएगा। तो आपने यहाँ पर नाम डाल दिया कुछ भी, ए बी सी समथिंग, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है फादर ने। अब आगे डालेंगे जैसे डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया आपने। अब देखो ये रेशो डालना है आपने, वन टाइम टैब दबाना ऑटोमेटिकली वहीं चला जाएगा, और फिर आपने यहाँ पर मैंने टू टाइम लिया था तो आप टू टाइम टैब दबाएंगे, ठीक है। आपकी जैसे क्या है सॉरी डेट ऑफ बर्थ आप वो लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे 1 जनवरी है और ऐसे 2002 या 2000 जो भी है आपकी, या 1900 समथिंग, तो आपने ऐसे कुछ डेट डाल दी, या आप ऐसा पूरा भी लिख सकते हो ऐसे जैन, सॉरी जैन, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या जनवरी पूरा भी लिख सकते हो आप। आगे है देखो दूसरे पेज पे आएगा, कोई बात नहीं आप थोड़ा वेट करो, ये एक ही पेज पे आएगा। उसके बाद नेशनलिटी दिखाओगे अपनी, नेशनलिटी तो इंडियन ही होती है वैसे, चलो कोई बात नहीं, नेशनलिटी दिखाएंगे अपनी, नेशनलिटी, ठीक है। अब अगेन से वन टाइम टैब रेसो, टू टाइम टैब, और यहाँ पर आप इंडियन लिखेंगे, इंडियन, ठीक है, और फिर एंटर। फिर है लैंग्वेज, अगर आपको कोई सी आती है तो आप लैंग्वेज लिखोगे अपनी, कोई लैंग्वेज कौन सी आपको, लैंग्वेज, लैंग्वेज नो भी लिख सकते हो, या आप मतलब या आप सिर्फ लैंग्वेज लिखो, और यहाँ पर रेसो में फिर यहाँ पर आप डिटेल डालेंगे, टू टाइम टैब, और यहाँ पर जैसे इंग्लिश लिख दिया आपने, इंग्लिश है आपकी, हिंदी है आपकी, या कोई और भी आती है आपको वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, आपको जो लैंग्वेज आती है आप वो लिख सकते हो। आगे बताएंगे आप मैरिड स्टेटस, आप क्या हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे मैरिटल स्टेटस बोलते हैं उसको, मैरिटल स्टेटस, ठीक है। अगेन से टैब दबाया, रेशो दबाया, टू टाइम फिर टैब दबाना है। फिर यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो आप लिख दोगे मैरिड हो, ठीक है, मैरिड लिख देंगे आप। अगर आप अनमैरिड हो तो आप अनमैरिड लिखेंगे, ठीक है, जो आपने डालना है वो आप डाल देना। अच्छा हॉबी यहाँ पर दिखा सकते हो, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आपने हॉबी दिखानी है यहाँ पर, हॉबी और बीच में देखो वन टाइम टैब, टू टाइम टैब, जैसे रीडिंग बुक लिख देंगे आप, रीडिंग बुक, और कुछ लिख सकते हो, जैसे मुझे तो टीचिंग की है, मैं टीचिंग लिख देता हूँ, टीचिंग, ठीक है, आप अपनी हॉबी लिख सकते हो। उसके बाद एक डिक्लेरेशन लिखते हो आप कि भी जो ऊपर आपने दिया गया है, जो अभी आपने ऊपर डिटेल दी गई है वो बिल्कुल सही है, उसमें आपने कुछ छुपाया नहीं गया है, ऐसा कुछ डिक्लेरेशन आप लाइन डाल देंगे, पहले हेडिंग लाइन डिक्लेरेशन की, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, तो आप ऐसा कुछ लिख देंगे। उसके बाद एक थोड़ी सी डिटेल और रहती है वो डाल दो, डेट और प्लेस, यहाँ पर आप लिखेंगे डेट, ठीक है, जब भी आप दे रहे हो उसको तो यहाँ पर डेट डाल देंगे आप, ठीक है, और प्लेस भी यहीं डाल सकते हो साथ में, प्लेस,
और हाँ यहाँ पर इस साइड आपने वो करने हैं, सॉरी अपने साइन करने हैं, जैसे आप अपना नाम लिखते हैं ना, कुछ भी, सॉरी कुछ भी नहीं, जो आपका नाम होगा वही लिखना। क्या राम कुमार का बना रहे थे हम? राम कुमार, मेरा नाम राम कुमार नहीं है, कभी आप सोचो मेरा नाम राम कुमार है, मैं अपना नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे कुछ इसको सेट करिए, नीचे आ रहा तो आप ऐसे। अब देखो इस रिज्यूम की लुक नहीं आ रही है, रिज्यूम हमारा बन चुका है, अब हम आपको सेटिंग करना सिखाएंगे। देखो आप लिख तो पाते हो, लिख तो देते हो, लेकिन आपसे लुक नहीं बन पाती रिज्यूम की, तो लुक बनाना अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लुक बनाते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने फॉन्ट कौन सा रखना है, फॉन्ट स्टाइल सब पे सेम वही होना चाहिए, ऐसा ना हो किसी पे कुछ लगाओ किसी पे कुछ लगाओ। ठीक है, तो जैसे मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले तो, और मुझे न्यू टाइम्स रोमन जैसे मैंने कहा था मुझे तो यही पसंद है, तो मैंने वो दे दिया। ठीक है, सब पे दे दिया। उसके बाद अब देखो यहाँ पर स्पेसिंग आ रही होगी, इसको यहाँ से थोड़ा ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा। हाँ थोड़ा मार्जिन का भी ध्यान रखेंगे, आपने मार्जिन कितना रखना है, मार्जिन मैंने बताया नहीं आपको, मार्जिन आपने कितना रखना है, थोड़ा मार्जिन पे भी कंसंट्रेट करें। अगर मार्जिन कम रखोगे, वैसे नैरो ठीक है, सॉरी नॉर्मल, नॉर्मली ठीक है आपका, ये डॉक्यूमेंट में ज़्यादातर ध्यान रखा जाता है। अब हम करेंगे इसकी सेटिंग। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप इसका स्पेस रिमूव करोगे, कैसे करते हैं हम स्पेस रिमूव, होम में जाएंगे, बैकग्राउंड शोर के लिए सॉरी, तो यहाँ से रिमूव स्पेस करेंगे तो देखो ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे, ठीक है, ऐसे दिखना लग जाएगा। अब आपको यहाँ पर अंडरलाइन देनी है, बोल्ड करना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब वैसे ही आप यहाँ पर इसका भी स्पेस आप रिमूव करोगे, ये सारा एक पेज पे आएगा आपका। देखो रिमूव इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ना, सॉरी ये रिज्यूम है, वन पेज पे आना चाहिए। ठीक है, और हाँ जो हेडिंग का साइज है वो आप सेम रखें, जो आपके कंटेंट का साइज है वो आप सेम रखें, ये आप ध्यान रखें कि आपने कंटेंट का साइज क्या दे रखा है और आपने हेडिंग का साइज क्या दे रखा है। ठीक है, तो हेडिंग पे क्या लगाया था हमने, अच्छा 12 लगाया था, तो हम इस पे हम 12 लगाते हैं, 12 अंडरलाइन बोल्ड करना है, करो। अच्छा उसके बाद है यहाँ पर, अगर आपको स्पेस लेना आप ले सकते हो हल्का सा, फिर अगेन आप इन इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेस रिमूव करना पड़ेगा आपको, नहीं यहाँ पर रिमूव नहीं करोगे ऐसे, आप यहाँ पर आप रिमूव करना पड़ेगा आपको स्पेस रिमूव। ठीक है, ऐसे साथ में आ जाते हैं, और इसको भी आप वही 12 साइज दोगे, बोल्ड इटैलिक जो आपने करना है या नहीं करना वो आपने देख लेना। और अभी मैं आपको इसकी लुक ऐसी बना के दिखाऊंगा, आप कहोगे ये वही रिज्यूम है जो थोड़ी देर पहले बनाया था। यहाँ पर आप साइज कुछ ज्यादा हो गया, आई थिंक 14 ही है, किसी को 14 है, इसको क्या है, इसको 12 है, इसको 14 है, ऐसे कैसे हो गया, फिर इसको ही 14 ही करो आप, साइज सेम रखना है। ये बात ध्यान रखें आपकी हेडिंग जो है उसका सबका सेम साइज हो, और जो आपका कंटेंट है उसका सेम साइज हो, अदरवाइज आपका रिज्यूम अजीब लगेगा, और जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो ये सोचेगा इसके तो रिज्यूम ही नहीं बनाना आता, ये जॉब क्या करेगा। सॉरी 14 है, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, इसका साइज हमने क्या दे रखा है कंटेंट का, यहाँ पर 11, और इसका क्या है 11, साइज तो ठीक है, ये यहाँ भी आ जाएगा आपका, पीछे यहाँ पर भी आ सकता है नीचे, हाँ ऐसे एक लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक एंटर लगा दो, यहाँ पर बुलेट्स लगानी है लगा सकते हो आप, अगर आपको लगता है यहाँ पर बुलेट्स लगानी है, लेकिन मुझे इस लाइन का साइज कुछ कम लग रहा है इनके अकॉर्डिंग, लेकिन सही है, चलो कोई नहीं, यहाँ पर आप बुलेट्स लगाएंगे, वो आपकी इच्छा है लगाओ या ना लगाओ। पर्सनल डिटेल 14 साइज बोल्ड इटैलिक। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्पेस रिमूव करेंगे, यहाँ स्पेस होता है वो होता है आपका,
स्पेस रिमूव, यहाँ पर भी स्पेस रिमूव। अब आपका ये आ नहीं रहा एक पेज पे, वो इसलिए नहीं आ रहा, अभी मैं बात कर रहा था जिसकी मार्जिन की, ठीक है। मार्जिन आपको यहां से देखो टॉप में आप कम करो, लेफ्ट राइट में चल जाएगा आपका, टॉप में आप कम कर दो जितना आप कम कर सको। देखो 2 पॉइंट से तो बिल्कुल कम मत करना, वरना आपका बिल्कुल कोने से स्टार्ट होएगा आपका। देखो आ गया आपका 1 पेज पे, तो ये आपका रिज्यूम बन गया। इसको आप बोल्ड कर दोगे अपने नाम को, टैब से भी आप इसको प्लेस कर सकते हो, स्पेस मैंने स्पेस यूज किया है, टैब भी यूज कर सकते हो। अच्छा अब थोड़ी सी और ध्यान दें, मैं अभी और लुक चेंज करूंगा इसकी। 14 बोल्ड इटाली, ठीक। ये तो जो स्टाइल लगाया है बिल्कुल सिंपल लगाया है हमने, वैसे रिज्यूम जो होता है आपका वो सिंपल वे में ही अच्छा लगता है, ज्यादा डिजाइन दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये हमने बना दिया। अब यदि आप चाहते हो कि थोड़ा अट्रैक्टिव और लगे, सॉरी यहाँ पर एक आप फ्रेम बना लेंगे, सॉरी फ्रेम बनाओ या ना बनाओ यहाँ पर अपनी स्नैप जरूर चिपका देना, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जो इसकी लुक है वो थोड़ा और बेटर हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। और कलर देना हो दो, नहीं देना मत दो, और सेंटर करो इसको आप, ठीक है। यहाँ पर देखो इस प्रकार आ गया, साइज बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पर है ना स्पेस आएगा, मुझे ऐसा लगता है नहीं स्पेस है, ठीक है। सिर्फ हेडिंग हेडिंग को छेड़ना और किसी को नहीं छेड़ना। आप हेडिंग 1 2 में आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, इनको आपने हेडिंग 2 देनी है, रिज्यूमे को आपने हेडिंग 1 देनी है। अब आपको ये इससे क्या होगा, आप देखते जाओ क्या होगा। वैसे तो टेक्स्ट को आपको कोई बैकग्राउंड नॉइस के लिए, सॉरी, वैसे टेक्स्ट को आपने कोई डिजाइन नहीं देना, अगर आप देना चाहते तो हल्का दे सकते हो, ज्यादा ना दे, ठीक है। हल्का कैसे, जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ से जो डिजाइन होते हैं ना वो दे सकते हो, या रहने दो, आपको ये ऐसे ही ठीक लग रहा है मुझे। अब देखो ये भी एक लुक बन गई, इससे पहले भी एक लुक बनी हुई थी वो भी ठीक लग रही थी मुझे, तो ये भी ठीक लग रही है। आप इसका कलर ब्लैक भी कर सकते हो हेडिंग का। अब देखो करना क्या है, यदि आपको इसकी लुक थोड़ा अच्छी बनानी है, आपको चेन स्टाइल में आना है, सेट स्टाइल में आएंगे, और यहाँ पर अब आप अपने इसकी लुक देखते रहना, आपको जो लुक बढ़िया लग रही है, जो लुक आपको अच्छी लग रही है वो आप सेट कर लेना, जैसे ये, ठीक है। ये भी एक लुक है आपके रिज्यूम की, मैं थोड़ा साइज कम कर दूं ताकि आपको पूरा रिज्यूम दिखाई दे। अब तो सिर्फ मैंने आपको स्टाइल दिखाना है, देखो ये भी एक स्टाइल है रिज्यूम का, अब आपने कुछ नहीं करना है। ये देखो इस प्रकार का जो रिज्यूम दोगे तो भी आपका बढ़िया लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये रिज्यूम बेकार लगे, या ऐसा देना है आपने, ऐसा देना है, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करो, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, तो ये आपके रिज्यूमे का स्टाइल आ गया, ये 1 पेज पे आ जाएगा, आप चिंता ना करो, क्योंकि आपने अभी स्टाइल लगाया है। उसके बाद ये वाला लगाना है, ये वाला लगाना है, जोन सा भी आपको स्टाइल अच्छा लग रहा है वो आप लगा दोगे, ठीक है। और हाँ अगर आपका कलर प्रिंट रहा है तो आप कलर भी प्रिंट कर सकते हो उसको, और कलर भी आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है, जैसे ये आपने सेट किया, और अगर आपने इसको कलर चेंज करना है, सिर्फ हेडिंग का ही कलर चेंज होगा, तो आप ऐसे कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो 1 पेज पे पहले ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ गया। अब आपको ये लगा कि चलो ठीक है लुक तो ठीक है, लेकिन हमारे टेक्स का जो स्टाइल है ना वो कुछ अजीब हो गया है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है, तो यहाँ से, वैसे तो यहाँ से बोल्ड इटैलिक आप ठीक कर सकते हो, लेकिन अब तो आप कैसे 1 बाय 1 सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, कहाँ से, यहाँ से जो भी आपको फॉन्ट पसंद आ रहा है इनमें से, ठीक है, सभी का हो जाएगा वो टेक्स स्टाइल, जो भी आपको ठीक लग रहा है। थोड़ा नीचे आओ, यहाँ पर और भी होते हैं, ठीक है, इनमें से आप ले सकते हो।
हल्का सा चेंज हो रहा होगा, टैक्स की साइड देखना आपने, ठीक है। और फिर भी आपको लगता है नहीं मुझे ये वाला स्टाइल तो नहीं चाहिए, तो आप इसको सिर्फ यहाँ से आपने टैली के अटैल लेके हटाना है, अदरवाइज कुछ नहीं हटाना। आप बाकी आपका मैटर बिल्कुल सही है। स्पेसिंग का ध्यान रखें, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है तो थोड़ा अजीब लगता है कंटेंट। और ये सिलेक्ट ऑल करके भी कर सकते थे आप, तो सिलेक्ट ऑल करके तो इटैलिक नहीं चल रहा है, देखते हैं इटैलिक, इटैलिक नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये भी एक लुक है आपके रिज्यूम की, ठीक है। देखो वन पेज पे आ रहा है आपका डिक्लेरेशन, ये मैंने छोटा किया हुआ है, बड़ा करके देखो तो बिल्कुल बढ़िया लगेगा। और आप इसको कलर प्रिंटर से भी प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज ब्लैक एंड व्हाइट भी कराओगे तो भी कोई अजीब नहीं लगेगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने रिज्यूम बनाना है। पहले आपने सिंपल टेक्स्ट लिखने हैं, सिंपल टेक्स्ट लिखने के बाद आपने स्पेसिंग को रिमूव करना है, स्पेसिंग को रिमूव करने के बाद आपने हेडिंग को साइज देना है, बोल्ड इटैलिक करना है, वो आप वो भी कर सकते हो। और आपने यहाँ से स्टाइल लगाना है, अगर आप चाहते हो ये वाला स्टाइल आए, वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप हेडिंग में कन्वर्ट नहीं करते हो अपनी हेडिंग को। यहाँ से जो हेडिंग थी ना, वो आपको हेडिंग में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। एक बार मैं अंडू करके दिखा देता हूँ आपको। देखो ये बनाया था हमने, ये हमारा लास्ट टाइम का रिज्यूम है, ये भी सही लग रहा है, इतना अजीब ये भी नहीं लग रहा। और जो रिज्यूम होता है नॉर्मली होता है, स्टाइल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो रिज्यूम आया आपका बना हुआ बिल्कुल दी बेस्ट बना हुआ है, और मैंने आपको कहा था यहाँ पर एक स्नैप लगा देना। अब आप यहाँ से सोच रहे हो स्टाइल आ जाए, देखो अब आपका स्टाइल नहीं आएगा, जो पहले आ रहा था ना वो नहीं आएगा, ये सिर्फ फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है, कोई हेडिंग नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा आपका, ठीक है। अगर आप चाहते हो वो हेडिंग आए जैसे पहले आई हुई थी, अंडू करके दिखाता हूँ मैं आपको, सॉरी अंडू तो कर दिया, रीडू करता हूँ। पहले हेडिंग दी हमने, हेडिंग में कन्वर्ट किया था और कुछ ऐसा हमने बनाया था, ठीक है। ये हमारा रिज्यूमे जो अब बन के तैयार हुआ है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर स्नैप लगानी है आप लगा सकते हो। और स्नैप के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कोई ड्राइंग इंसर्ट करेंगे, एक फ्रेम ही दिखाना है बस। वैसे तो आपने आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो, वैसे पिक्चर तो आपको पेस्ट करनी पड़ेगी, पिक्चर आपकी सही से नहीं आएगी। पिक्चर के लिए आप फ्रेम बना सकते हो यहाँ पर, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी पिक्चर पेस्ट करोगे, कोई भी पिक्चर लगा सकते हो जो आपको ठीक लगती है। आपको मैं एक पिक्चर लगा के दिखा देता हूँ, पिक्चर कैसे लगेगी। आपको इंसर्ट में जाना है, कोई भी पिक्चर आप सर्च कर लेना, मैं कोई भी लगा के दिखा देता हूँ आपको, हमारे पास पड़ी होगी एक तो, ये लगा देता हूँ, ठीक है। आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपकी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, देखो आप ऐसे अगर आप इसको उठाओगे तो ऐसे आपके यहाँ पर स्पेस आता रहेगा, आपको ऐसे नहीं उठाना है इसको, आपने यहाँ पर पोजिशन में जाना है और आपको यहाँ पर लगानी है, तो यहाँ पर ऐसे सेट कर दोगे, ठीक है। अब आप इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, और अब आप इसको जहां मर्जी आप इसको सेट कर सकते हो। अब आपके टेक्स्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितनी बड़ी छोटी करनी है आपको फोटो कर सकते हो। अगर आपकी यहाँ पर फोटो लाइट डार्क करनी है वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से ऐसे आप लाइट डार्क कर सकते हो। वैसे तो आपको हार्ड कॉपी ही चिपकानी है, मैं तो वैसे करके दिखा रहा आप लोगों को, आप ये मत सोचना कि पिक्चर ऐसे भी लगाई जाती है रिज्यूम पे। चेंज पिक्चर नहीं, हमने कोई चेंज नहीं कर दी, ठीक है। फ्रेम फ्रेम देना आप ऐसे दे सकते हो, अगर आपको ठीक लगती है तो यहाँ से फ्रेमिंग भी दे सकते हो। ये थी आपकी रिज्यूम की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, धन्यवाद।